हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनीष, दूसरा है टेक्निकल लवली मनीष, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है स्विमिंग के ऊपर, मतलब कि प्रोफेशनल स्विमर है हर्ष सरोहा, जो कि बहुत अच्छी स्विमिंग करता है। स्कूल स्टेट में आया था ये, मैं आपको इसकी रेस दिखाने वाला हूँ, बटरफ्लाई, ठीक है, 200 मीटर बटरफ्लाई है, 100 मीटर बटरफ्लाई आई थिंक, मुझे याद नहीं है। तो ये वीडियो मैंने डे 3 में शूट की थी, तो आज काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम था, मैंने कहा छोड़ डाल देता हूँ। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आ रहा हूँ गुड़गांव 29 सेक्टर में, कंपटीशन है हरियाणा स्टेट का, और कोशिश करूँगा वो पूरा कंप्लीट करके आपको साथ के साथ दिखाता रहूँ। और अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, दिल्ली में हो, तो आप मुझे सेक्टर 29 में जिमखाना क्लब है ना, हुड्डा जिमखाना क्लब, वो सेक्टर 29 में, वहीं पे आप आके मुझे मिल भी सकते हो, कुछ पूछना हो स्विमिंग के बारे में पूछ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी चलो वीडियोस दिखा देता हूँ बटरफ्लाई की, आई होप कि आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, उसमें आपको सीखने में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सबका लिंक, ज्वाइन कर लो। 100 मीटर बैक बटरफ्लाई, तो ये है हर्ष सरोहा, जो कि इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन है, हो चुकी है इसकी, और नेशनल में भी इसका ब्रॉन्ज मेडल है, जो कि काफ़ी अच्छी स्विमिंग करता है। तो चलो इसकी बटरफ्लाई मैं आपको, मतलब कि सिंगल भी दिखाऊंगा, जिसमें सिर्फ ये बटरफ्लाई मरेगा 100 मीटर, मतलब कि यही रेस आपको सिंगल में दिखाऊंगा, बाकी इवेंट में तो आ ही रही है। तो चलो अब आप दिखाते हैं 200 मीटर बटरफ्लाई, तो ये है 17। तो फ्रेंड्स तैयार है हर्ष सरोहा, बढ़िया, काफ़ी अच्छी रेस करता है। तो आपको वीरभद्र की भी मैं दिखाऊंगा, ये चेक कर सकते हो क्या डॉल्फिन खींच के गया, तो चेक कर सकते हो बटरफ्लाई, क्या बटरफ्लाई है, चेक कर सकते हो, चार राउंड है इसके, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ ये देखो कितनी जल्दी, काफ़ी बढ़िया है हर्ष सरोहा, काफ़ी अच्छी बटरफ्लाई कर रहे हैं, चेक कर सकते हो, 50 मीटर हुई फिनिश, और अब लगी 50 मीटर, काफ़ी अच्छी। तो फ्रेंड्स ये एशियन गेम के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो काफ़ी बड़ा ऑप्शन है कि अपना हरियाणा बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो आई होप कि आपको इनकी वीडियो ये रेस अच्छी लगी हो, 100 मीटर की, तो 100 मीटर भी इन्होंने काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दी, जो कि मतलब कि आपने जो इनकी बटरफ्लाई देखी थी वो 26-25 के बीच में की थी, 26 के आसपास की थी, तो बटरफ्लाई वो आपको आई होप कि बढ़िया लगी होगी। और वीडियो में मैं टाइम देख के एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर आप रोक के वापस स्पीड करके वो 100 मीटर हुई ख़त्म, चेक कर सकते हो कि इन्होंने 100 मीटर काफ़ी जल्दी कर दी पूरी। तो इधर चल रही है अभी सिल्वर के लिए रेस चल रही है, ये फाइनली है, इसमें हीट नहीं है, तो ये चेक कर सकते हो। तो ये है हर्ष सरोहा, एशियन गेम के लिए सिलेक्ट हुआ है ये भाई अपना सोनीपत से, चेक कर सकते हो ये बटरफ्लाई चल रही है अब, और ये ख़त्म हुई 200 मीटर बटरफ्लाई सिल्वर मेडल, और ये और उधर भी चेक कर सकते हो बटरफ्लाई, और उधर भी चेक कर सकते हो, ये फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो 100 मीटर। तो चलो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, आप एक बार हर्ष सरोहा को देख लो, काफ़ी अच्छी रेस की। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये रेस अच्छी लगी होगी, मैंने कोशिश की है कि ये रेस आपको आप पूरी इंजॉय करो, और मैंने शूट भी इसको अच्छा किया, मतलब कि देखो और फोकस करके, वो काफ़ी बढ़िया है, वो इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हो रखा है गेमों के लिए, इनकी टाइम ट्रायल होती है जो जाना होता है इन्होंने, और बस इसकी बाकी रेसें भी दिखाई हुई है, पहले मैंने स्पेशल रेस दिखाई हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर 29 तारीख को, वैसे 9 तारीख को रात को मिलूंगा जिमखाना क्लब में, बाकी उसमें 3 दिन है, 10-11-12 को कंपटीशन है स्विमिंग का हरियाणा एसोसिएशन का, जिमखाना क्लब 29 सेक्टर में, और वहां का मैं पूरा टूर दिखाऊंगा, कैसे हमने तैयार हुए पहले, कैसे गए। और एक चीज़ और कि जो चिंटू का 9 तारीख को कॉम्पिटिशन है DAV to DAV स्कूल का भी है, वो भी बताएंगे क्या रिजल्ट रहा चिंटू का, बाकी तैयारी तो पूरी है, बाकी देखते हैं वहाँ जाके कैसा रहता है, क्या परफॉर्मेंस देता है वो अपनी। फ़र्क ये पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पूल 7 दिन पहले, नहीं 30 तारीख को बंद हो गया था, 10 तारीख को, मतलब कि 9 दिन पहले पूल बंद हो गया, जिसके कारण टाइम का आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि डाइविंग की, समरसॉल्ट की, और पूरा टाइम टू टाइम लेना थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि हाँ भी वो टाइम कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा, इसका फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी, पर हमने ब्रह्म सरोवर में प्रैक्टिस की है, जिसके कारण होगा क्या, या तो टाइम 1-2 सेकंड बढ़ जाएगा, या तो 1-2 सेकंड कम हो जाएगा, या फिर जितना दे रहा था उतना ही देगा,
बाकी वो रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना रेस में कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह आपको हरियाणा स्टेट की भी वीडियो मिलेगी। तो बाय। तो फ्रेंड्स, ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, ये है टेक्निकल लवली मनी जो आगे आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वॉच द वीडियो, टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करेगी।